हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने लेक्चर 4 पढ़ा था, जिसमें हमने सीखी थी कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री। लेक्चर 4 वो हमारा लेक्चर 4 पार्ट 1 था। आज हम लेक्चर 4 पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम क्या सीखेंगे, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और स्पेशल ट्रांजेक्शन्स होंगी हमारी, जिनकी हम जर्नल एंट्री फॉर्म करनी सीखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सी एंट्री हमारी। आइए, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हैं, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता है फिक्स्ड एसेट होते क्या है। फिक्स्ड एसेट आपके वो एसेट होते हैं जो आपकी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इनक्रीज करने के लिए यूज होते हैं, ना कि उनको हम रखते हैं बिजनेस में सेल के लिए। दे आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, नॉट फॉर सेल। तो बच्चों, फिक्स एसेट हमारे क्या होते हैं? लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर एंड फिक्स्चर एटसेट्रा। ये एसेट हम बिजनेस में रखते हैं टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, नॉट फॉर सेल। तो अगर हम ये एसेट खरीदेंगे, फिक्स एसेट, तो हमारा फिक्स एसेट एसेट है, फिक्स एसेट हमारे पास आएगा। तो फिक्स एसेट अगर आएगा तो एंट्री होगी फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका एसेट बढ़ गया और आपका पैसा जाएगा। या तो आप कैश दोगे तो कैश भी आपका एसेट है, या आप चेक से पेमेंट करोगे तो बैंक आपका कम होगा, या फिर आप उधार खरीदोगे, उधार खरीदोगे तो आपका सप्लायर आएगा। जैसे क्रेडिटर होता है वैसे ही सप्लायर होता है। क्रेडिटर से आप गुड्स उधार खरीदते थे, सप्लायर से आप, सप्लायर और क्रेडिटर आप एक ही समझिए। जिससे आप उधार फिक्स्ड खरीदेंगे वो आपका सप्लायर है, ये भी आपकी लायबिलिटी है। तो आप अगर कैश में देंगे तो कैश आपका एसेट कम हो जाएगा, चेक से देंगे तो बैंक एसेट कम हो जाएगा, और अगर आप उधार खरीदेंगे तो सप्लायर नाम से आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और एसेट आपके पास आएगा तो फिक्स एसेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। आइए अब देखते हैं सेल की एंट्री क्या होगी। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर आप फिक्स एसेट को सेल करेंगे तो बड़ी सिंपल एंट्री होगी। पहले मैं लिख देता हूं, आपको पैसा मिलेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आप उधार बेचेंगे तो आप परचेसर को डेबिट कर सकते हैं, यानी आपका कस्टमर, क्योंकि आपका डेटर बन जाएगा डेबिट। टू, आपका एसेट चला जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, और या फिर यहां पे कुछ आएगा और या फिर यहां पे कुछ आएगा। अब ये आपको मैं अभी समझाता हूं मैंने क्या लिखा है। देखिए, सिंपल एंट्री तो आपकी यही है कि आपके पास कैश या बैंक आएगा। अगर आप एसेट बेचेंगे, एसेट बढ़ेगा आपका कैश बैंक डेबिट हो जाएगा, और फिक्स एसेट आपका जाएगा या आपका क्रेडिट हो जाएगा। उधार बेचेंगे तो परचेसर आ जाएगा यानी कस्टमर, तो आपका डेटर बढ़ जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। अब मैंने थोड़ी सी जगह यहां पे छोड़ी है और थोड़ी सी यहां पे छोड़ी है, ये आपको मैं एग्जांपल से बताता हूं। देखिए, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2। पहले एग्जांपल 1 कराता हूं। परचेस बिल्डिंग एंड इशूड चेक रुपीज 5 लाख, ये परचेस की एंट्री है, तो सिंपल है। आपने बिल्डिंग खरीदी तो आपकी बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। टू, बैंक अकाउंट, बिल्डिंग आपकी एसेट है, बढ़ जाएगी डेबिट, बैंक आपका दूसरा एसेट है, कम हो जाएगा क्रेडिट। ये आपका आ गया 5 लाख रुपीस, ये आपका आ गया 5 लाख रुपीस। ये एंट्री आपकी खत्म हो गई। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या आपकी, नेक्स्ट एंट्री आपकी है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट एंट्री आपकी है सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, बुक वैल्यू ₹40,000, बुक वैल्यू ₹40,000 फॉर ₹30,000। देखिए, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, बुक वैल्यू ₹40,000 का क्या मतलब है बच्चों, कि आपने जो एसेट बेचा है उसकी वैल्यू अभी 40,000 है। आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो आपके रिकॉर्ड है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू 40,000 की है, बट आपने बेचे कितने की है, 30 की। तो आइए एंट्री लिखते हैं। पहले एंट्री क्या होगी, देखिए बच्चों, आपकी एंट्री होगी, आपको
कैश मिलेगा, मान लीजिए कैश में बिका है, तो कैश अकाउंट आपका हो गया डेबिट। अब आपका मशीन चला गया तो मशीन आपकी हो गई क्रेडिट। मशीन बिकी कितने बच्चों, 30 में, तो कैश आपको 30,000 मिलेगा और मशीन थी कितने की, 40 की, तो आपकी बुक से तो मशीन 40,000 की जाएगी, आपकी बुक से मशीन 40,000 की कम होगी। अब क्या ये बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमने पढ़ा है डेबिट और क्रेडिट आपका इक्वल होता है, तो कैश आपका 30,000 है, मशीन आपकी 40,000 है, आपको 10,000 का साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे लॉस हुआ है। ये आपका 10,000 रुपीज का जो लॉस है, लॉस का नेचर एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये आपका आ गया 10,000। सपोज कीजिए अगर आपकी मशीन 40 की जगह 50 की बिकी होती तो कैश में 50,000 आता, यहाँ 40 आता, तो आपका 10 प्रॉफिट होता, तो यहाँ पे आपका आता 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। ये कब होता, जब आपकी मशीन 50 में बिकी होती, लेकिन अभी आपका कोई प्रॉफिट नहीं है, अभी आपका लॉस है, और ये लॉस आपका ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये क्या होता है, ये चैप्टर 19 में पढ़ेंगे, चैप्टर 18 और 19 में पढ़ेंगे। जितने भी आपके लॉस होंगे वो आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट में आ जाएंगे, जितने भी आपके इनकम होंगी गेन होंगे वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएंगे। तो अब देखिए ये एंट्री में लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने कैश बैंक डेबिट किया था, परचेसर डेबिट किया था, फिर लाइन छोड़ी थी। ये लाइन किस लिए है, अगर आपका लॉस होगा तो आप लॉस को डेबिट करेंगे, लॉस ऑन सेल डेबिट, और अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो मुझे उम्मीद है आपको अब यह एंट्री समझ में आई होगी। मैं आपको रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से ये टॉपिक। आपने एंट्री करी परचेज की तो आपका फिक्स्ड एसेट बढ़ेगा डेबिट, आप कैश या चेक से पेमेंट करेंगे तो आपका एक एसेट कम होगा कैश या बैंक, तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और अगर आप उधार खरीदेंगे तो सप्लायर के नाम से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, और अगर आप बेचेंगे तो आपका कैश बैंक आएगा डेबिट हो जाएगा, अगर आप उधार बेचेंगे तो परचेसर नाम से आपका डेटर बढ़ जाएगा, डेटर भी एसेट है, टू फिक्स एसेट आपका कम हो जाएगा, अगर आपका लॉस हुआ है तो लॉस डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, आइए आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या आपकी, एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आपने अपने यहाँ एक एसी लगवाया है जिसकी आपको कॉस्ट पड़ी है 40,000, वो एसी 40,000 का था, लेकिन आपने उसको अपने यहाँ इंस्टॉल कराने के लिए 5,000 रुपये के और खर्च करने पड़े, आपने उसके लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस 5,000 और पे करे, तो आप बताइए आपकी जेब से कितने पैसे गए, 45,000। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि एसी आपको 40,000 का पड़ा, आप बोलेंगे एसी की कॉस्ट आपके लिए कितनी है, 45,000 है। यानी आपने अगर मान लीजिए लेबर को इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पे करे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि ये मेरा वेजेस का खर्चा है, आप बोलेंगे ये मेरा एसी का खर्चा है। यानी आपने उस वेजेस को जो आपने लेबर को दिए एसी को इंस्टॉल करने के लिए, आपने क्या कहा कि ये मेरा वेजेस का खर्चा नहीं है, इससे मेरे एसी की कॉस्ट बढ़ रही है, तो आपने वो खर्चा अपने एसी की कॉस्ट में जोड़ा, यही मतलब है। आइए पढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अगर आप मशीन इंस्टॉल कराते हैं, मान लीजिए मशीन आपकी 1,00,000 रुपए की है और उसको इंस्टॉल कराने के लिए आपने 10,000 रुपीज की वेजेस पे करें या उस पर कोई भी खर्चा करा है उसको यूज करने के लिए, तो आप हमेशा अपनी मशीन की कॉस्ट क्या बताएंगे, जब तक उसको यूज करने लायक आप नहीं बना लेते तब तक जितने भी खर्चे होंगे आप उस खर्चे को उस एसेट में ऐड करेंगे, आप उन खर्चों को अलग से नहीं दिखाएंगे। यानी आपका जो भी खर्चा होगा एसेट पे उसको खरीदने से रिगार्डिंग, वो आप उस एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, ना कि उस खर्चे को अलग से दिखाएंगे। तो अगर आप मशीन पे वेजेस पे कर रहे हैं, अगर आप मशीन पे वेजेस पे कर रहे हैं तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, आपका अकाउंट इन्वॉल्व होगा मशीन, आपका अकाउंट होगा इन्वॉल्व मशीन,
दूसरा आपका पैसा जाएगा कैश या बैंक, तो मशीन आपका एसेट है, इंक्रीज होगा डेबिट, कैश आपका एसेट है, डिक्रीज होगा क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? आपकी एंट्री बनेगी कोई भी एसेट हो, आपकी एंट्री बनेगी कोई भी एसेट हो, एसेट अकाउंट डेबिट टू आपका कैश या बैंक, क्योंकि आपने जो खर्चा करा वो या तो कैश में पेमेंट की होगी या चेक से पेमेंट की होगी। कैश से की होगी तो कैश डेबिट क्रेडिट, चेक से की होगी तो बैंक क्रेडिट। अब मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ, आपको अच्छा समझ में आएगा। पेड रुपीज 5000 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। आपने मशीन को लगवाने के लिए 5000 रुपये का कैश में वेजेस पे करा, तो ये आपका वेजेस का एक्सपेंस नहीं है, ये आपका मशीन का एक्सपेंस है, क्योंकि मशीन को यूज करने के लिए आपको ये करना पड़ रहा है। इससे मशीन की कॉस्ट बढ़ेगी, इससे आपकी मशीन की कॉस्ट बढ़ेगी, और जब आपकी मशीन की कॉस्ट बढ़ेगी तो आप वो खर्चा मशीन में जोड़ेंगे, तो आप जब मशीन में जोड़ेंगे तो आपका मशीन का बैलेंस बढ़ेगा, यानी मशीन के रूप में आपका एसेट बढ़ेगा, तो आपका अकाउंटेंट बोलोगा मशीन, आपका अकाउंटेंट बोलोगा मशीन, तो मशीन आपकी बढ़ जाएगी कितने रुपए से, 5000 रुपीज से, तो मशीन आपकी डेबिट हो गई और कैश आपका चला जाएगा टू कैश अकाउंट, कैश आपका क्रेडिट हो गया। यानी बिल्कुल सिंपल सा रूल है, अगर आप एसेट को यूज करने तक बनाने के लिए कोई भी उस पर खर्चा करते हैं तो आपको उस खर्चे की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी है, आपको उस खर्चे को ऐड करना है उस एसेट की कॉस्ट में, जिससे उस एसेट को आप डेबिट कर दोगे और कैश या बैंक को आप क्रेडिट कर दोगे। आपने अगर कैश से पेमेंट करी तो आप कैश क्रेडिट कर दोगे, चेक से पेमेंट करिए तो आप बैंक क्रेडिट कर देंगे। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं इसी एग्जांपल की। ब्रिक्स सीमेंट एटसेट्रा 4 रुपीज 2 लाख एंड टिम्बर 4 रुपीज 1 लाख। आपने ब्रिक्स सीमेंट 2 लाख की खरीदी और टिम्बर 1 लाख की परचेज करी, किस लिए? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने के लिए। पेमेंट वाज मेड बाय चेक, यहां पर पेमेंट चेक से हो रही है। तो अब आप बताइए आपने खर्चा किस पे किया? बिल्डिंग पे। बिल्डिंग बनाने के लिए आपने ब्रिक्स परचेस करी, सीमेंट परचेस करी और टिम्बर परचेस करी, तो आप एंट्री में ब्रिक्स सीमेंट टिम्बर को डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये खर्चा किस लिए कर रहे हैं? ये खर्चा आप कर रहे हैं बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो इससे आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, तो आपका एसेट बढ़ेगा इससे बिल्डिंग के नाम से, क्योंकि ये खर्चा बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं आप, तो आपका एसेट बढ़ेगा बिल्डिंग के नाम से, बिल्डिंग का आपका एसेट बढ़ जाएगा डेबिट, और आप पेमेंट करेंगे चेक से तो बैंक आपका कम हो जाएगा क्रेडिट। तो ये आपकी एंट्री आ गई 3 लाख, 2 लाख का आपका ब्रिक सीमेंट था और 1 लाख का आपका टिम्बर था, तो टोटल आपका 3 लाख का खर्चा हुआ। आई रिपीट, आपने बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स परचेस करी, सीमेंट परचेस करा और टिम्बर परचेस करी, तो आप ब्रिक्स सीमेंट और टिम्बर को डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये खर्चा आप बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं। अगर ये खर्चा आप बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं तो आप बिल्डिंग की कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे, तो बिल्डिंग के रूप में आपका एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और आप पेमेंट कर रहे हैं चेक से तो बैंक आपका कम होगा, बैंक आपका क्रेडिट। आई होप आपको समझ में आया होगा, डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एर्थ है आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। दोनों के लिए सेम लॉजिक है, पहले मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री लिख देता हूं, आप समझिए फिर आपको बताता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, आपकी इस एंट्री का लॉजिक समझिए आप क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले आप समझिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रहा है। कैपिटल कौन इंट्रोड्यूस करता है? कैपिटल आपका मालिक इंट्रोड्यूस करता है, मालिक यानी आपका ओनर। ये आपका ओनर है, ये आपका बिजनेस है। ओनर ने यहां पे आपकी कैपिटल लगाई, मान लीजिए 5000। ओनर ने यहां पे आपकी कैपिटल लगाई, मान लीजिए 5000। अब ओनर बिजनेस को बोल रहा है मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो आप बताइए बिजनेस मान लीजिए इंटरेस्ट पे कर रहा है इस 5000 पे 500 रुपीज, तो आप बताइए बिजनेस के लिए 500 रुपीज इनकम है या एक्सपेंस है? बिजनेस के लिए 500 रुपीज एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस को अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं। तो बिजनेस के लिए अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो आपको पता है
इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो आपका डेबिट हो जाएगा। अब ये इंटरेस्ट मिल किस पर रहा है, कैपिटल पे मिल रहा है। तो मालिक ने जो 5,000 रुपये कैपिटल लगाई थी, ओनर ने जो 5,000 की आपकी कैपिटल लगाई थी, उससे इंटरेस्ट से वो कैपिटल बढ़ जाएगी, क्योंकि कैपिटल पर अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आपकी कैपिटल हो जाएगी 5,500 रुपीज, यानी कैपिटल 500 से बढ़ गई। तो आपकी कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, तो आपकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल एंट्री लिखी मैंने। आइए देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है बिजनेस का, डेबिट हो गया, नाम है पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस चीज पे इंटरेस्ट मिल रहा है, सॉरी किस चीज पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कैपिटल पे। और कैपिटल आपकी क्रेडिट हो गई, क्योंकि ऑनर को ये इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे, और कैपिटल आपकी इंटरेस्ट से बढ़ जाएगी, कैपिटल आपकी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आई रिपीट, ये जो आपका इंटरेस्ट है ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, इसलिए इंटरेस्ट एक्सपेंस के रूप में बढ़ेगा तो डेबिट, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या एंट्री है, आइए देखते हैं। बड़ी सिंपल एंट्री है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बड़ा सिंपल लॉजिक है, आइए देखते हैं। ये ऑनर है, फिर से ये बिजनेस है। अब ऑनर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। ये मान लीजिए निकाला ऑनर ने 2,000 रुपीज। अब जैसे ऑनर बिजनेस को बोलता है आप मुझे इंटरेस्ट दो, क्योंकि मैंने आपको पैसा दिया है कैपिटल के रूप में, तो वैसे बिजनेस भी बोलेगा आप पैसा ले रहे हो मेरे से वापस, आप मेरे से पैसा वापस ले रहे हो, तो आप भी मुझे इंटरेस्ट दो, आप भी मुझे इंटरेस्ट दो। तो अब मालिक भी बिजनेस को इंटरेस्ट देगा। मान लीजिए बिजनेस को मालिक ने इंटरेस्ट दिया 200 रुपीज, तो ये 200 रुपीज बिजनेस के लिए इनकम है, क्योंकि बिजनेस को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो बिजनेस के लिए इनकम है, इंटरेस्ट आपका क्रिएट हो जाएगा, इंटरेस्ट आपका क्रिएट हो जाएगा 200 रुपीज से। अब ये इंटरेस्ट मालिक दे क्यों रहा है, क्योंकि उसने ड्राइंग्स करी है। ड्राइंग्स क्या होती है आपकी, ड्राइंग्स होनी चाहिए कैपिटल, तो ड्राइंग्स आपकी कैपिटल को कम कर देगी, तो ड्राइंग्स आपका डेबिट हो जाएगा। फिर से बताता हूँ आपको, जब आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ट्रांजेक्शन होगी तो आपके दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, पहला ड्राइंग्स का और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। ड्रॉइंग्स का नेचर है आपकी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का नेचर है रेवेन्यू, क्योंकि इंटरेस्ट बिजनेस को मिलेगा। इंटरेस्ट अगर बिजनेस को मिलेगा तो बिजनेस की इनकम बढ़ेगी। रेवेन्यू का मतलब है आपकी वो अकाउंट जो आपकी इनकम और गेन से रिलेटेड है। तो बिजनेस को अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट। और ड्रॉइंग्स का नेचर है कैपिटल, कैपिटल आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि मालिक इंटरेस्ट पे करेगा, पे कहाँ से करेगा, अपनी कैपिटल से पे करेगा, तो कैपिटल कम हो जाएगी, डेबिट। तो आपका नेचर है ड्रॉइंग्स का कैपिटल, तो आपकी एंट्री बनी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो मैंने क्या लिखा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹5,000, आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 5,000। तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये आपका आ गया 5,000। याद रखिए मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, नरेशन बिल्कुल सिंपल होती है, आपको स्मॉल डिस्क्रिप्शन देनी है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज। नेक्स्ट एंट्री क्या है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो देखिए इसकी एंट्री क्या बनाई है मैंने, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये आपका आ गया 2,000। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा ओनर को, तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंटरेस्ट आपका खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट,
और मालिक की कैपिटल बढ़ जाएगी इससे, क्योंकि ऑनर ने अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट लिया है, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल कर देंगे क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम है, क्योंकि बिजनेस को इंटरेस्ट रिसीव होगा, इंटरेस्ट मिलेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, क्रेडिट। लेकिन किस चीज पे मिल रहा है? ड्रॉइंग्स पे मिल रहा है। ड्रॉइंग्स का नेचर क्या है? कैपिटल। ड्रॉइंग्स से आपकी कैपिटल कम हो जाती है, ड्रॉइंग्स आपकी कैपिटल कम हो जाती है तो ड्रॉइंग्स आपकी डेबिट हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम अगला टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स में शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।